जानिए बिहार में 2 से 7 दिसंबर तक कब सेना भर्ती रैली का होगा आयोजन। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार रेजिमेंटल सेंटर में प्रादेशिक सेना की भर्ती रैली के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए तिथियों में बदलाव किया गया है। पहले जो भर्ती रैली 17 और 20 से 21 नवंबर को आयोजित होने वाली थी, उसे स्थगित कर दिया गया था। अब उम्मीदवारों के भारी प्रतिसाद को देखते हुए नई तिथियां निर्धारित की गई हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों के लिए भर्ती रैली का आयोजन अब क्रमशः दिसंबर महीने में किया जाएगा। तो बिहार में भर्ती रैली की नई तिथियां क्या हैं? बिहार में प्रादेशिक सेना की भर्ती रैली 2 दिसंबर से शुरू होगी। ये जिलेवार भर्ती रैली होगी, जिसमें विभिन्न जिलों के उम्मीदवारों को शामिल किया जाएगा। 2 दिसंबर को अररिया, बांका, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सुपौल जिलों की भर्ती होगी। 3 दिसंबर को दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी जिले के उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। 4 दिसंबर को अरवल, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, रोहतास, शेखपुरा जिलों के उम्मीदवारों के लिए भर्ती आयोजित होगी। 5 दिसंबर को बक्सर, गोपालगंज, सारण, सिवान, वैशाली जिले के उम्मीदवारों की भर्ती होगी। 6 दिसंबर को भोजपुर, पटना, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, गया, मुंगेर जिलों में भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। अंत में 7 दिसंबर को बेगूसराय, भागलपुर, सहरसा, पश्चिम चंपारण, बेतिया, नालंदा, नवादा जिलों के उम्मीदवारों के लिए भर्ती रैली होगी। उत्तर प्रदेश में भी प्रादेशिक सेना की भर्ती रैली के लिए तिथियों में बदलाव किया गया है। 26 नवंबर से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। 26 नवंबर को सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर, शामली जिलों की भर्ती होगी। 27 नवंबर को औरैया, बांदा, बाराबंकी, चित्रकूट, फतेहपुर, गोंडा, हमीरपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखनऊ, महोबा, उन्नाव जिलों के उम्मीदवारों के लिए भर्ती होगी। 28 नवंबर को अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, आगरा, इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, झांसी और ललितपुर जिलों की भर्ती होगी। 29 नवंबर को संभल, बदायूं, पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, फरुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, बलरामपुर जिलों की भर्ती रैली होगी। वहीं 30 नवंबर को अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, बस्ती, कौशाम्बी, कुशीनगर, महाराजगंज, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर जिलों की भर्ती होगी। अंत में 1 दिसंबर को मिर्ज़ापुर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, संत रविदास नगर, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, मऊ, सोनभद्र, चंदौली और देवरिया जिलों के उम्मीदवारों के लिए भर्ती रैली आयोजित होगी। ध्यान रखें, प्रादेशिक सेना के इस भर्ती रैली के लिए उम्मीदवारों को पहले से निर्धारित तिथियों पर अपने संबंधित जिलों में भर्ती स्थल पर उपस्थित होना होगा। ये भर्ती रैली खासकर उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जा रही है जिन्होंने पहले से आवेदन किया था, लेकिन स्थगित रैली के कारण उन्हें देरी हो रही थी। अब सभी उम्मीदवारों को नई तिथियों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्या आपने भी इस भर्ती के लिए आवेदन किया था? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।